निजामुद्दीन ये दिल्ली की मशहूर जगहों में से एक है। निजामुद्दीन फेमस है दरगाह से और निजामुद्दीन में कई फिल्म्स की शूटिंग्स और फिल्म स्टार्स भी आ चुके हैं और आते जाते रहते हैं। पर निजामुद्दीन एक और चीज से फेमस है जो कि है निजामुद्दीन का खाना। यहाँ पर बिरयानी और कई तरह की डिशेज मिलती है और बहुत टेस्टी और फेमस है। मैं यहाँ पर 2 टाइम विजिट कर चुका हूँ और आज 3rd टाइम है, तो हम इस वीडियो में निजामुद्दीन का खाना एक्सप्लोर करने वाले हैं। So hey guys, what is up? Welcome to Gurung channel. This is Aman and this is Akash. What's up everyone? Welcome to another new vlog. So guys, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने टाइटल देख लिया हमारा, आज हम आए निजामुद्दीन। निजामुद्दीन ऐसी प्लेस है, बहुत एक तरीके से फेमस प्लेस है ये। एंड देन बोलो पुरानी दिल्ली हो, नई दिल्ली हो, दिल्ली 6 के बाद बोलो खाने पीने में निजामुद्दीन आती है। बहुत अच्छी 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 बहुत मिलती है यहाँ पे। नॉन वेज तो बहुत है यहाँ पे, कुछ बिरयानी तो यहाँ की बहुत फेमस है, जैसे कि बिरयानी, तंदूरी चिकन, बटर चिकन वगैरह बहुत फेमस है यहाँ का। कहने का मतलब सब कुछ नॉन वेज ही है यहाँ पे, वेज बहुत कम ही मिलता है, बट ये नॉन वेज वेज बिरयानी भी है, पॉकेट के अंदर है, बहुत सस्ता है यहाँ पे, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप खाना एक नंबर का मेन है यहाँ की लोकेलिटी है ना, या निजामुद्दीन नाम है या कुछ भी, ऐसे उससे फेमस नहीं, मैंने यहाँ टेस्ट के से फेमस है यहाँ खाना, इतना टेस्ट है तो देन उससे बहुत ज़्यादा फेमस है। हाँ, और खाने से ज़्यादा गाइस इधर दरगाह बहुत फेमस है, निजामुद्दीन दरगाह आपने जैसे सुना होगा बहुत ही, निजामुद्दीन दरगाह के बारे में बहुत फेमस निजामुद्दीन दरगाह है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमने मंगाया है अफगानी चिकन जो कि हमें पड़ा, हमने हाफ प्लेट मंगाया जो कि हमें 200 के अंदर ही पड़ गया, और हमने रुमाली रोटी प्लस तंदूरी रोटी। हाँ, सो गाइस इस प्लेस में हम फर्स्ट टाइम आए हैं, मतलब इस होटल में हम फर्स्ट टाइम आए हैं, मतलब निजामुद्दीन प्लेस में हम पहले भी आ चुके हैं बहुत बार खाने, बट इस होटल में हम फर्स्ट टाइम आए हैं। सो गाइस हम आपको दिखाएंगे कि कैसा है और हम उसको खाने का रिव्यू भी देंगे आपको, और आगे बने रहिए, हम आपको आगे आगे सब कुछ दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं जैसे कि आज मेरे भाई आए हैं, हमारे प्रीवियस ब्लॉग में आए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं शिवम, टॉप शिवम, और ये रोहित जो छुप रहा है शिवम तो फर्स्ट टाइम आए ना यहाँ पे, तो तेरे को कैसा लगा फर्स्ट टाइम? बहुत अच्छा लगा यार, यहाँ अभी तो खाना खाया ही नहीं, वैसे क्राउड बहुत है यहाँ पे, मज़ा आ गया, अभी खाना खा के ट्राई करूँगा तब वो ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी आप लोग भाई कह रहे हो कि अच्छा है तो एक बार ट्राई करता हूँ कैसा लगता है। इसका फर्स्ट टाइम है, और अपना यूजर नेम बता दें टिकटॉक का क्या था वैसे? @shivamkumar2521 जाके फॉलो करें। अब सुखा इसके टिकटॉक को जाके फॉलो करें, ऐसी कोई दिक्कत क्या नहीं है, खाना वाना खाने नहीं आया दरगाह में, अपनी विश मांगने पूरी आया, मेरे को टिकटॉक पर जल्दी फेम मिल जाए, 1 मिलियन व्यू इसलिए आए हो ना यहाँ पे, देख सकते हो इसलिए आना पड़ेगा। सही है भाई, एक साथ दो दो काम होंगे, दरगाह भी घूम लेंगे और अपना एंजॉय भी कर लेंगे। सो गाइस आप देखते रहिए, हम अब आपको दिखाते हैं खाना कैसा है, बस खाना आने वाला है, सो बने रहिए गाइस। दिस इज अफगानी चिकन, ये रुमाली रोटी है, इसको आप जानते हो तंदूरी रोटी, और ये है सैलेड। भैया आपका नाम? गुहेब नाम है। और आप क्या बोले तो ये शॉप का नाम? चिक फिश पॉइंट। अच्छा, लोकेशन आप पूरी प्रॉपर बताओगे? लोकेशन बाउली गेट, हजरत बस्ती, हजरत निजामुद्दीन, बिल्कुल मेन गेट पर ही है। और अपने दुकान का कोई फेमस डिश बताओ? फेमस डिश हमारे चिकन चंगेजी होता है, रोस्टेड होता है बटर वाला, और फिश फ्राई होती है, फिश रोस्टेड होती है, बोनलेस होती है। और रोटी में तो रोटी में हमारी वही तंदूरी और रुमाली होती है।
अफगानी जो होता है वो उसमें थोड़े से लाइट मसाले होते हैं और इस वजह से थोड़े से काली मिर्च वाले होते हैं, और जो हमारा मेन है रोस्टेड है जो कि बटर क्रीम वाला है, और एक चंगेजी होता है बहुत ज़्यादा जो कि तवे में देख रहे हैं वो, और चंगेजी चिकन चंगेजी की मेरे को मतलब प्राइस बताओ। प्राइस एक क्वार्टर 120 रुपये का है, जिसमें कि आप 2 से 3 लोग खा सकते हैं, क्वान्टिटी उसकी इतनी ज़्यादा होती है। एक्चुअली भैया कहते हैं ये खाने में तो बहुत अच्छा है, आप इसके बारे में डिटेल बता रहे हो डिश ये कैसे बनती है। ये डिश इसके लिए वही मसाले यूज़ होते हैं जो कि सारे हमारे हैंडमेड ही होते हैं ज़्यादातर बस, और वही चिकन वगैरह रोस्ट करके। ज़्यादा ऑयलिंग तो नहीं होती? ऑयलिंग नहीं होती, लेकिन ज़्यादा कि बिना ऑयल के बन भी नहीं सकता। बन भी नहीं सकता ये तो है, तो बस वही यही है कि ऑयल सारा निकाल देते हैं जैसा। लेकिन आप ट्राई करिए कि चंगेजी हमारा सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा चलता है। आपके चिकन के होते और कौन से होते हैं? सिर्फ हमारी शॉप पे सिर्फ चिकन और फिश ही देते हैं, चिकन और फिश बस यही। सो थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, आप देख सकते हो फाइनली अभी यहाँ पर खाना तो बहुत अच्छा है और डिश भी अलग अलग तरीके की है यहाँ पे। एंड देन ये पॉइंट बहुत फेमस है एक तरीके से, आप आ सकते हो। और यहाँ के जो है लोकेशन तो आपको मैंने बता देगी, शॉप भी आपको बता देगी। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, एंड रश तो इतना नहीं है, पर आप देख सकते हो बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे ढाबे भी है, मुरादाबादी भी है यहाँ पे, बहुत फेमस है ये भी, बहुत सारे ढाबे। मैं जहाँ देख रहा हूँ राइट एंड लेफ्ट बहुत सारे ढाबे ढाबे, क्या करूँ भूख बहुत तेज लग रही है मासू। हमारे बैक साइड में गए तो ढाबे वाबे होटल वोटल है, खाने पीने का आइटम है, और हमारे फ्रंट साइड में बोले तो दरगाह है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ है, ब्यूटीफुल है। सो गाइस अभी हमारे फाइनली हमारे लिए चिकन स्टार चिकन टिक्का ना या नॉर्मल टिक्का सीख कबाब, फाइनली गाइस हमारे लिए सीख कबाब हो लग रहा है हमारे लिए, और 50 रुपये का 4 सीख कबाब है। सही बोला मिस्टर बोला हाँ। सो गाइस एंड लोकेशन बता सकता है कहाँ पड़ता है, मतलब स्टार्टिंग में या पड़ता है या एंड में पड़ता है? ये भैया थोड़े शर्मा आ रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम का व्लॉग में आने का है, बट दरगाह मौली गेट में पड़ता है, कभी भी आना, बहुत अच्छे बनाते हैं खाते पीते। अभी मैंने स्टार्ट किया नहीं है, स्टार्ट करके तब पता चलेगा, वैसे खुशबू तो अच्छी लग रही है। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा टिक्का आ चुका है, आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। वैसे मैं खाता रहता हूँ, मतलब मेरे घर के बगल में भी है होटल तो वहाँ पे खाता रहता हूँ, बट यहाँ का थोड़ा सा फेमस है और अच्छा है जितना मैंने सुना है, खा भी रखा है। सो गाइस अब खाते हैं और टेस्ट करते हैं और कैसे बताते हैं आपको, रिव्यू अच्छे से देंगे। तो गाइस अभी हमने सीख टिक्का खाया, अब हमने ऑर्डर किया है सीख कबाब, ठीक है प्राइस ठीक ही है। प्राइस कितना था वैसे इसका सीख टिक्का का? 50 था, 50 था सीख टिक्के का, सीख टिक्के का 50 प्राइस था, और 4 सीख थी तो 50 प्राइस था, और हमने मंगाया सीख कबाब जिसकी 50 प्राइस है ना, 50 प्राइस है उसका अभी, और सीख है 4। सो गाइस आपको देखा मतलब रिव्यू बताएंगे कैसा है। मैं सीख की बात कर रहा था पहले, ये है सीख कबाब, बहुत बड़ा हो गया अभी। सो गाइस जैसे देख सकते हैं ये हलवा पराठा है, और ये फेमस है यहाँ का निजामुद्दीन का, अब हम ये खा रहे हैं और आपको बताएंगे कैसा है। अरे स्टार्ट पे एंट्रेंस पे जब यहाँ पर स्टार्टिंग है, पहली दुकान है लेफ्ट हैंड साइड पे है। और अंकल अब ये अंकल आपका नाम क्या है? रोहित। मोहम्मद समीन, मोहम्मद सलीम, हलवा पराठा। मोहम्मद सलीम, और यहाँ का बोले तो फेवरेट डिश यही है, फेमस डिश हलवा पराठा निजामुद्दीन। अच्छा अच्छा, और देन डिटेल बता दो कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ लगता है, क्या क्या चीज़ इस्तेमाल होती है इसमें? इसमें बस घी घी चीनी सूजी मदर काम। अच्छा अच्छा, और कहने का मतलब है कितने का मिलता है ये स्टार्टिंग, कितने ग्राम? ये 250 ग्राम से लेके 200 ग्राम, 150 ग्राम, 100 ग्राम। अच्छा अच्छा, निजामुद्दीन में बहुत फेमस है, मैंने बहुत नाम सुना है तभी देन मैं आपके पास आया। निजामुद्दीन की फेमस है 20 केजी।
120 kg है। अच्छा 120 kg है। गाइस देख सकते हो 300 रुपए का पराठा पड़ेगा, इतना बड़ा पराठा आपने। और प्लीज सब्सक्राइब टू गुरुंग ब्रदर, बोल देना हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच अंकल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके अंकल। खाने थोड़ा सा मैं भी चख लेता हूँ कैसा टेस्ट है। वैसे अपन कैसा टेस्ट कर बताइयो। टेस्ट तो बहुत सही लग रहा है, बड़ा है बट इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा है, बट जो ऑयल ज़्यादा निकलता है वो मज़ा आएगा। सूखा खाया नहीं जाएगा, ऑयल डलेगा, बट जो ऑयल के पेशेंट है वो ज़्यादा ना खाए ना, उनके लिए बेकार है। बट वैसे बहुत अच्छा बना है, हलवा है और बहुत सही लग रहा है मेरे को तो। हमने ये मतलब जो हमने लिया था कितना था इनके लिए? 30 का था, बट कितना मिला था? 250 ग्राम। गाइस 250 ग्राम मिला हमें 30 का, बहुत सही है। अब देख सकते हो कितना बड़ा पराठा है। और ये रात भर खुला रहता है आपका कि नहीं? 11 बजे। टाइमिंग एंगल इसकी 11 बजे तक। 11 बजे तक। सो गाइस आप कुछ बोलना चाहते हो हमारे फैंस टिकटॉक? पराठा कैसे लगा आपको? बहुत मज़ेदार, मुँह में ही कुछ आते होगा। इस जैसे कि हम थोड़ा रिव्यू देने वाले खाने के बारे में, जो हमने चिकन अफगानी लिया था, चिकन लिया, तंदूरी रोटी एंड रुमाली रोटी भी थी, और उसके बाद हमने सीख टिक्का खाया, सीख कबाब खाया, और लास्ट में आपको जो दिखाया वो था हलवा पराठा था, जो कि बहुत बड़ा है, 300 का पराठा है वो। अगर आप पूरा लेते हमें 250 ग्राम पड़ा ना, हमने कम ही लिया क्योंकि थोड़ा वो 30 का पड़ा हमें, और मतलब वो भी उसने पेट भर गया, थोड़ा ऑयल ज़्यादा था, थोड़ा ऑयल ज़्यादा अच्छा था। बहुत फेमस है यहाँ का स्टार्टिंग में या पॉइंट में, और देन बहुत स्टार्टिंग में आपको हलवा कहते हैं हलवा पराठा मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पर ही आपके, बहुत अच्छा। और कहीं जैसे कि हम अब खाने के बारे में बताने वाले हैं, खाना एक नंबर का मिलेगा, ये है टेस्ट ऐसा अच्छा है, पैसे की कोई परवाह नहीं, पैसे आपके गवाह नहीं होंगे, अच्छा है। और गाइस जो हमने चिकन अफगानी लिया था वो ठीक था, जैसे मैं उसको पॉइंट देना चाहूँ तो मैं 5 में से उसको 3 दूंगा, क्योंकि 3 इसलिए क्योंकि गाइस मतलब बटर उसमें ज़्यादा था, मतलब रोस्टेड तो था बटर, मैं उन्होंने बटर ज़्यादा डाला, तो ये थोड़ा माइनस पॉइंट था। और गाइस मैं रोटी के लिए तो उनको 5 में से 4 दूंगा, बहुत अच्छी थी रोटी। और गाइस जैसे कि हमने सीख कबाब खाया था ना, वो भी उसमें भी हमें 5 में से 4 है दोनों में, और पराठे का 5 में से 5 है, बिकॉज पराठे में हलवा है और ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और अच्छा बहुत फेमस है। आना और यहाँ पे आगे जाओगे थोड़ा आगे जाओगे भी बहुत तगड़ा है दरगाह भी है, यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं दरगाह में, निज़ामुद्दीन दिल्ली में बहुत फेमस जगह है, सभी आना था। इस खाने का नंबर है तो दिल्ली 6 के टक्कर के बराबर है, बट उसमें हल्की भी दिल्ली 6 से कम है, बट क्या बोल रहे आम दोनों में टक्कर का है। बट निज़ामुद्दीन भी बहुत अच्छा है, मैं पहले भी आ चुका हूँ दिल्ली 6 में, कभी गया नहीं वैसे, बट बहुत जल्दी दिल्ली 6 की वीडियो आएगी, देखते रहना गाइस। सो गाइस अब मैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी अच्छी होगी, और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, सो गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गुरुंग ब्रदर्स गाइस। और गाइस अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सो गाइस बाय, और स्टे ट्यून्ड एंड स्प्रेड लव गाइस, बाय।